नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों, मैं गया हुआ था बैपरिया गांव में, आप लोगों के लिए वीडियो लाया था बैपरिया में एक दिन और गेहूं की दें आदि का। तो इसी सिलसिले में मेरी बैपरिया में मुलाकात हुई चचा श्री मोहन सिंह बिष्ट जी से, जिन्होंने अपने घर के आसपास में फूल पौधे लगा रखे हैं और फल फ्रूट के पेड़ भी लगा रखे हैं और बाकी छायादार पेड़ भी लगा रखे हैं। तो उन्होंने ये सब कैसे किया, क्योंकि बैपरिया में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, इसके बावजूद उन्होंने जो है ये सारे काम वहाँ पर कर रखे हैं और आगे को भी कर रहे हैं। तो आप लोगों से मुलाकात करवाते हैं श्री मोहन सिंह बिष्ट जी की बैपरिया गांव में। जंगल का ही जंगल ही रह गया। यहाँ पीढ़ी पुसानों से हमारे बुजुर्ग जब आए थे, ये आते गए जाते रहे, ये काम ऐसा ही रहा। दोस्तों, ये जो है भात और दाल पक सब्जी पक रही है और ये कह रहे कि बांकुली की सब्जी है। तो अब एक दिन हम आपको बांकुली की सब्जी बनाते हुए दिखाएंगे कि कैसा होता है। अभी तो फिलहाल हम एक आपको सीन दिखाते हैं बांकुली की सब्जी का। तो दोस्तों, अभी मैं बैपरिया में हूँ श्री मोहन सिंह बिष्ट चचा के वहाँ पर, और देखिए इन्होंने जो है इतना शानदार यहाँ जो है फूल वगैरह लगा रखे, जंगल में जो है ऐसी बागवानी कर रखी है कि आप लोग भी जो है आनंदित हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगा रखे हैं, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, ये देखिए। दोस्तों, पहाड़ों में वो भी ऐसे जो है दूर जगह पर, आप लोग जो है ऐसी कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने जो है बढ़िया से जो है यहाँ फूल लगे हुए होंगे। देखिए कितना शानदार जो है लग रहा है ये सब। दोस्तों, अगर आप चाहें तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह कहते हैं हमारे बुज़ुर्ग लोग। तो आप उसका ही ये नतीजा जो है देख सकते हैं, और फूल लगे हुए हैं शानदार और पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ लगता है। दोस्तों, मैं तो कुछ टाइम पहले ही यहाँ आया था, मैंने देखा था जब, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि इतना शानदार नज़ारा जो है यहाँ का, ये देखिए। तो दोस्तों, ये जो है मूली है और जो है आगे जो है बांकुल भी है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि पहाड़ों में कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आपके अंदर चाह है तो आप पहाड़ों में भी
बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये देखिए मोहन सिंह चचा ने जो है यहाँ, आप मान के चलो कि ये जंगल में ही जो है गांव है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ इन्होंने इतना हरा भरा कर रखा है, इतनी सब्जी लगाई हुई है और बहुत कुछ इन्होंने करा है दोस्तों। और बहुत ही आनंद का जो है अनुभव होता है यहाँ पर, आप लोग खुद जो है महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये कहना तो सही नहीं लग रहा है मुझे कि जो है पहाड़ों में कुछ भी नहीं होता है। आप अगर यहाँ दूर दूर तक भी देखेंगे दोस्तों, देखो घना जो है जंगल भी बना रखा है चचा ने, पेड़ पौधे लगा करके और फूल लगा करके जो है बगीचा भी बना रखा है। ये देखिए कितना शानदार जो है नज़ारा है बैपरिया गांव में। ये देखिए गर्मी में भी जो है इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता यहाँ दोस्तों। अनाज के अलावा जो है गेहूं वगैरह बोते हैं ये और भी, लेकिन उसके अलावा इन्होंने बाग बगीचा जो है इतना शानदार बना रखा है। देखिए फल फ्रूट वगैरह भी लगा रखे हैं, फूल भी लगा रखे हैं, सब्जी भी लगा रखी है, सब कुछ इन्होंने लगा रखा है यहाँ पर। और बहुत ही मेहनत जो है इन्होंने की है यहाँ पर, और तब जाकर आपको ये जो है जंगल जैसा दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधों से भरा हुआ बहुत ही शानदार जगह जो है ये लग रही है दोस्तों। और दोस्तों ये हैं बाकुल के पौधे जिसकी जो है चचा अभी सब्जी बना रहे हैं। बाकुल इन्होंने लगा रखा है और इसके क्या फ़ायदे हैं, होता है क्या नहीं होता है, ये हम अभी चचा से भी बात कर सकते हैं अगर मौका लगेगा तो। ये देखिए दोस्तों चचा ने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहाँ पर भी कि फूल पौधे और पेड़ वगैरह जो ना लगाए हों, सब जगह चचा के वहाँ पर आपको जो है हरा भरा रंग बिरंगे फूल आपको दिखाई देंगे। और ये सब इनकी मेहनत का नतीजा है। और हम चचा से बात करेंगे कि ये सब ये कैसे कर पाए। तो दोस्तों मैं अभी हूँ बैपरिया गांव में और हमारे साथ हैं चचा श्री मोहन सिंह बिष्ट जी। और दोस्तों हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ जो है बैपरिया गांव है ये, और वैसे कहते हैं कि हमारे पहाड़ों में जो है अनाज फल फूल कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आकर के जो देखा है, चचा ने यहाँ पर फल फूल भी लगा रखे हैं और सब्जी वगैरह भी लगा रखी है और पेड़ पौधे भी खूब लगा रखे हैं। तो चचा से बात करते हैं कि ये सब ये कैसे कर पाए, क्योंकि जब यहाँ पर कहते हैं कि पानी की भी समस्या है सब कुछ है, तो इसके बावजूद चचा ने किया है, तो चचा से बात करते हैं। तो चचा ये जो है हमारे इधर पहाड़ों में मैंने देखा कि लोग बाग कहते हैं कि जो है हमारे यहाँ तो पानी की भी समस्या है और भी बहुत समस्याएं हैं, और लेकिन यहाँ पर जो पहले से भी खेती करते आए हैं वो भी जो है धीरे धीरे छूट रही है। और आपने यहाँ जंगल में जो है ये क्योंकि सब्जी वगैरह भी लगा रखी है, फूल पौधे भी लगा रखे हैं, फल फ्रूट भी लगा रखे हैं, तो आप ये कैसे कर पाए और ये कब से आपने जो है शुरू किया? ये देखो साहब ये ऐसा है ना, ये इसको शुरू किया हुआ तो मुझे बहुत टाइम हो गया है जी। और मैं यहाँ पानी से भी, इस गांव के अंदर पानी से, जब यहाँ ये पानी आया मैं पानी से भी इस गांव ने मुझे वंचित रखा। हाँ आप वहाँ भी कह सकते हैं कैमरा में देख कर। हाँ, तो मुझे इस गांव वालों ने उस पानी से भी वंचित रखा जी। तो उसके साथ साथ मैंने ये देखा कि ये गांव का सुधार होने वाला नहीं है। इस गांव, ये गांव पहले के जंगल का ही जंगल ही रह गया। यहाँ पीढ़ी पुरानों से हमारे बुजुर्ग जब आए थे ये आते गए चल जाते रहे, ये गांव ऐसा का ऐसा ही रह गया जी। तो मैंने यहाँ पौधे लगाना फूल लगाना अपने पाँवों के बल से नदी से पानी ढोल के लगाया। अच्छा जी। हाँ तो आज करीब 1.5 साल से मुझे पानी मिल रहा है, उतना तो नहीं है लेकिन जो कुछ भी है फिर भी मिल रहा है। मैंने अपना हक वसूल कर लिया है, ले लिया है, मैंने मोदी जी से भी कहा और मुझे की और उसे भी कहा, लेकिन मुझे मिल गया है पानी जी। और लेकिन ऐसा है कि ये पानी ऐसा है, इस पानी से ही नहीं होता है, इस पानी से हमें मेहनत भी करनी पड़ती है जी। अगर हम इसी पानी को देखे रहे, ये पानी कभी आएगा कभी नहीं आएगा, इससे हमारा काम नहीं बन पाएगा जी। अगर हमने गाँव में रहना है, अपने गाँव को सुचारू रूप से चालू रखना है, तो हमको खुद परिश्रम करने की ज़रूरत है जी। जी तो वही कह रहा हूँ कि जब आपने इधर फूल पौधे वगैरह लगाए हैं ये सब, तो ये आपके कितने सालों की मेहनत है
जब आप कह रहे हैं कि मैं खुद जो है नदी से पानी लेकर के यहाँ आता था, ये तो इसमें तो मुझे, मैं धीरे धीरे करके चल रहा हूँ, मैं तो नदी से लेकर के रोड से लेकर के इस अपने घर के एरिया में जितना मुझे मतलब बैठा है, किसी की रोक ठोक नहीं है जी। उतनी जगहों में जो मैं कर रहा हूँ ये, इसको तो मुझे करीब करीब 20-22 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं जी जी, ये करते आया हूँ मैं जी जी। और नीचे भी मैंने जो बगीचे पौधे बनाए हैं, मतलब है उधर मैंने नदी से मुझे बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा, नदी ने बहा दिया जी। और लेकिन ऐसा है मैं फिर भी छोड़ नहीं रहा हूँ, कर रहा हूँ। आप तो मेरे हाथ पैर चल नहीं पा रहे हैं उतने जी। और मैं फिर भी आगे करने के प्रयास में हूँ, मैंने पौधे का और वो प्रबंध कर रखा है, फूलों का और प्रबंध कर रखा है, मैं आगे करने के लिए काफ़ी इच्छुक हूँ कि मैं ये बनाना चाहता हूँ कि ये गाँव में ये मनुष्य रहते हैं या गाँव है कैसा, ये करके मैं मुझे देखने की तलाश है जी 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 जी, जिससे गांवों में सुधार हो, गांव वाले कुछ देखें, कुछ सीखें कि मतलब बेटा ऐसे भी गांव हो सकते हैं, ऐसे भी घर बन सकते हैं, ये करके मुझे ये मेरी ये तमन्ना है जी 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 जी। तो और मतलब जो है जो गांव में हमारे लोग रहते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहोगे कि वो किस तरीके से मेहनत करें, क्या करें भाई, यहाँ पर भी अब रह करके वो ये सब कुछ कर सकते हैं? अब ऐसा है बाबू, आजकल तो ऐसा है ना, मेरा तो यही कहना है, आजकल तो सबसे बड़ी नौकरी के उस पर लोग आज तुले हुए हैं जी, है? जी। नौकरी में पैसा ज्यादा है, इसमें परेशानी ज्यादा है जी 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 जी, है? जी जी। नौकरी में पैसा ज्यादा है, इसमें परेशानी ज्यादा है। नौकरी जितनी को मिलेगी उतनों के लिए होगी, और ये जो हम करेंगे ये हमारे बच्चों तक मिलेगी जी जी जी, बिल्कुल। अब मेरा तो कहना यही है जी। और लेकिन दुनिया इस बात को मेरी कोई समझ नहीं रही है जी, है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देश का विकास या गांव का विकास करना मोदी जी का ही काम नहीं है, वो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। बिल्कुल सही बात है, है? अगर मोदी जी अगर इस बात के लिए पीछे पड़े रहेंगे, मतलब ठहरा ये छूटे फूटे गांव तो ऐसे ही रह जाएंगे, इनकी तो कोई देख रेख ही करने वाला नहीं है, मोदी जी यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। बिल्कुल, ये हमको मोदी जी के नाम से या किसी और अपने उससे सोच के हमको खुद अपने गाँव की वो अपने आप ही करनी पड़ेगी। हाँ, वही तभी जाके हो पाए। बिल्कुल, हर कोई जो है आप दूसरे के भरोसे ही नहीं रह सकते, नहीं रह सकते हैं। आप सोचोगे कि वो करेगा तो हम क्या करेंगे। अब मेरा यही कहना है, मेरा गांव वालों से भी यही कहना है, सरकार से भी यही कहना है, सबसे पहले पानी की जरूरत है जी जी जी। अगर पानी हर गांव में पहुंचे, हर वहां पहुंचे कि लोगों को पूरा पानी मिले, तो शायद हो सकता है पलायन रुक सकता है जी। और क्या नाम कहते हैं, लोगों को आगे की हौसला लोगों का बढ़ सकता है जी। फिर यही मैंने देखा है कि उद्यम में साहस, विधि में पराक्रमणों का कहा गया है जी, है? जी, जी। उद्यम करने से आदमी का साहस बढ़ता है, विद्या से कोई किसी प्रकार की लड़ाई हम लड़ सकते हैं जी, जी, जी। तो ये मेरा कहने का वसूल है जी। अब दुनिया तो कुछ और सोच रही है, इस बात पैसे पर तुलिए, पैसे से तुलने से तो हमारा काम बनेगा नहीं जी, 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 है? जी। जब तक हम अपने गांव का सुधार, अपने घर का, जब तक हमारा घर का सुधार नहीं होगा तब तक गांव का सुधार नहीं होगा, जब तक गांव का सुधार नहीं होगा तब तक हमारे आगे जिले का सुधार नहीं होगा। इस प्रकार से हमने आगे बढ़ने की सोचनी है, इसको बढ़ाना है अब। लेकिन दुनिया तो ताला लगा करके नौकरी के पीछे भाग रही है, ऐसे तो काम बनेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप, वही कह रहा हूँ कि मेहनत करने से होता है, मेहनत करने से होता है, सब कुछ होता है। मैंने यहाँ फल भी लगा रखे हैं, फूल भी लगा रखे हैं, मैंने सब कुछ कर रखा है, कोई आके उसको देख भी सकते हैं, आप भी देख रहे हैं। हाँ ना, वही कह रहा हूँ मैं, तो कह रहा हूँ कि भाई जब आप जंगल में जो है हाँ, इतना सुंदर जो है बगीचा खड़ा कर सकते हैं, तो जहाँ जो नदी के किनारे हैं, जहाँ हाँ, पानी हाँ, की व्यवस्था हाँ, है, तो वो लोग तो और ज्यादा मेहनत और ज्यादा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन उन लोगों ने हाथ खड़े कर लिए हैं, और आपने इस जंगल में भी जो है यहाँ हरा भरा बना रखा है। फिर इधर ऐसा है बाबू, इधर ऐसा है ना, इधर सरकार जो सोच रही है कुछ और सोच रही है, हम जो सोच रहे हैं कुछ और सोच रहे हैं जी, है जी। जब हमारी नदी यहाँ पर मुख पर बह रही है जी, तो हमारी ही नदी से अगर हम लोगों को पानी की व्यवस्था हम लोगों की जाती है, हमें दूर से इतना बड़ा सामना नहीं करना पड़ता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमको नदी से मतलब ठहरा, जहाँ हमारी नदी सिंचाई लायक थी वहाँ हमको नहर मिलती, जहाँ हमारी नदी हमारे पेयजल के लिए होती वहाँ से हमको पेयजल मिल जाता जी, जी, है? जी, जी, और उसके साथ साथ उसका फायदा और लोग भी उसमें उठा लेते। बिल्कुल, बिल्कुल, तो सबको ये प्रोत्साहित किया जाता और सभी लोग इसमें वो हो जाते। हाँ, तो इसीलिए मैं तो ये सोच रहा था प्लान की, मैंने कहा भाई अगर सरकार से या उससे बात की जाए कि कम से कम जो है एक यहाँ पर छोटा डैम बना दें हाँ, जिससे कि जो है अगर आपका पानी रुकता है तो आपके खेतों में जो है नमी अपने आप रहेगी, अपने आप रहेगी, और उस पानी को आप यहाँ के लोगों को भी दे सकते हैं और बाहर भी आप भेज सकते हैं। क्योंकि अब इन्होंने अभी तक क्या किया कि जो हमारा पानी है वो तो बाहर भेज दिया लेकिन हमको वो पानी नहीं मिल पा रहा, हमको वो पानी नहीं मिल रहा। तो इसके लिए मुझे ये लग रहा है कि इसके लिए एक अभियान हमको चलाना पड़ेगा, जिससे कि ये जो है यहाँ एक छोटा डैम बनाए
और उसके लिए अभी मैं सोचता था कि मंदिर के पास में हमारा एक छोटा डैम बना दें और एक जो है झूला पुल बना दें। ये तो सोच के हमारे विभागों ने, हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने भी इसमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जनता क्या चाह रही है, क्या होना है, क्या करना है। हाँ, इसमें विचार हमारी सरकार ने, हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने भी करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, तभी हम लोगों का सुधार होगा, तभी हमारे देश का सुधार होगा। बिल्कुल। तो यही है चाचा, फिर जैसे क्योंकि आप जैसे लोग अगर हमको मिलेंगे इन चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, तो हम जो है आपकी बात अपने चैनल के माध्यम से जो है जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन तक पहुंचाएंगे। हमारे प्रतिनिधि जो हैं जो क्षेत्र के एमएलए वगैरह हैं, तो ये लोग जो है और जनप्रतिनिधि हैं, तो ये हमारे जो है मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाएंगे। तो शायद हमारी समस्या का कल को हल हो सके। हाँ। जी तो दोस्तों, हमारे साथ थे अभी चचा श्री मोहन सिंह बिष्ट जी बैपरिया गाँव में, और इन्होंने जो है गांव में बहुत कुछ किया है, मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, फिर आपको जो है आगे लेकर के चलता हूँ। धन्यवाद चाचा। ये देखिए दोस्तों, जंगल को भी जो है चाचा ने जो है बगीचा बना के रखा हुआ है, और बहुत ही शानदार जो है नज़ारा। दोस्तों, अब इस जंगल में आप देख सकते हैं, इस गधेरे में भी जो है आपको यहाँ घना जो है जंगल दिखाई देगा, और बहुत ही शानदार। चचा जी ने जो है इतनी मेहनत करके जो है यहाँ पर भी जो है ये घना जंगल बना दिया है। दोस्तों, मेहनत करने से सब कुछ होता है, अगर आप चाहें तो। दोस्तों, अगर आपके मन में अगर चाहत है तो आप जो है नरक को भी स्वर्ग बना सकते हैं, और अगर आपके अंदर कोई चाह नहीं है तो आप जो है स्वर्ग को भी नरक बना सकते हैं। ये देखिए, चचा ने इस जंगल को जैसे शानदार जो है घने जंगल में बदल दिया है। तो दोस्तों, आप लोग जो है घर के पास में ऐसे जंगल की जो है पहाड़ में कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन चचा जी ने जो है वो करके दिखाया है। ये देखिए कितना जो है आपको घना जो है जंगल दिखाई दे रहा है, ये सब जो है चचा की मेहनत का नतीजा है, और अभी भी वो लगे हुए हैं, सालों से करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं पूरी मेहनत। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।